नमस्कार, नवजीवन बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस घंटे की चार बड़ी खबरों के साथ मैं अजहर अली आपके सामने हाजिर हूं। कानपुर में जय श्री राम न कहने पर एक मुस्लिम ऑटो ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई की गई। कानपुर के बाबरपुरवा इलाके में बुधवार देर रात जय श्री राम का नारा न लगाने पर तीन युवकों ने आतिब नाम के एक मुस्लिम ड्राइवर को शौचालय में बंद कर उसकी पिटाई की। ऑटो चालक पर ईंट पत्थरों से कई बार वार किए गए और उसके बाद उसे मरने की हालत में छोड़कर वहां से गायब हो गए। काला हिरण केस मामले में जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को फटकार लगाई है। काला हिरण केस में जोधपुर कोर्ट ने अभिनेता सलमान खान को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में अगर सलमान खान पेश नहीं हुए तो उनकी बेल रद्द कर दी जाएगी। बता दें कि 5 अप्रैल 2018 को निचली अदालत ने 1998 के काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि जिला अदालत ने सलमान खान को इस शर्त पर जमानत दी थी कि वो बिना कोर्ट की इजाजत के देश छोड़कर नहीं जा सकते। सदर बाजार मारपीट मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक सोम दत्त को कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई है। बता दें कि साल 2015 में सोम दत्त ने संजीव राणा नाम के एक शख्स की बेसबॉल के बैट से पिटाई की थी। उस समय सोम दत्त विधायक नहीं थे। विमान निर्माता कंपनी बोइंग ने विमान हादसों में मरने वाले लोगों के परिजनों को 688 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। बता दें कि बोइंग के इस विमान से 5 महीने से भी कम वक्त में 2 हादसों में 346 लोगों की मौत हो गई थी।